तो नमस्कार, मैं अभी नागदा जंक्शन पहुंच चुका हूं। देखिए, नागदा जंक्शन का लगा हुआ है और ये अभी भाई साहब हमारे साथ ही है। ट्रेन में ही हमें मिले हैं, जो साथ में हैं अभी कुछ दूरी तक हमारे साथ ही रहेंगे सफ़र में। और मेरी मुलाकात एक दीदी से हुई जिनका नाम है टीना जी। तो उन्होंने खाटू श्याम जी के बारे में काफ़ी मुझे बताया कि मंदिर में जाते हैं तो मुराद ज़रूर पूरी होती है। उन्होंने भी कुछ मन्नत मांगी थी तो उनकी मन्नत पूरी हुई और वो अब फिर से एक बार खाटू श्याम जाने का प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम खाटू श्याम जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी चीज़ें शेयर करी और बताया है कि वहाँ पर एक आंटी है जो काफ़ी बड़े घराने से हैं और वो रोज़ खाटू श्याम मंदिर पैदल आते हैं, मतलब 20 से 25 किलोमीटर रोज़ पैदल आते हैं। और अगर उनसे मुलाकात हुई तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और मैं भी चाहता हूं कि उनसे मुलाकात हो। तो खाटू श्याम जाने के, जब अगर खाटू श्याम जी का ही मैंने नाम लिया तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है और आने वाला समय बहुत अच्छा होता है। जो कुछ होता है बहुत अच्छा होता है, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। तो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ठंडा माहौल है और काफ़ी लोग हैं स्टेशन पर और सुबह सुबह नाश्ता आप यहाँ पर कर सकते हैं। नाश्ता देखिए, समोसे और ये पोहे। भाई साहब कितने के पोहे? पोहा 15 रुपये। पोहा 15 रुपये और समोसा 8 रुपये का एक। अच्छा, तो देखिए आप नागदा जंक्शन आए तो नाश्ता कर सकते हैं सुबह सुबह। ये तो ऑल टाइम नागदा जंक्शन पे रहता है ना अंकल। तो सभी लोग से, मतलब जब तक सफ़र में काफ़ी लोगों से मुलाकात होगी हमारी, यहाँ पर भी नाश्ता है। तो मैं तो अभी नाश्ता करने की कोई इच्छा नहीं हुई अभी। यहाँ से शायद 15 से 20 मिनट ट्रेन रुकती है। बस आप कितनी देर ट्रेन रुकेगी यहाँ पर? आधा घंटा रुकती है। अच्छा, तो मतलब आधा घंटा रुकेगी और 9:10 पे चलेगी है ना। और ट्रेन अभी यहाँ से रवाना होगी नागदा जंक्शन से 9:10 पर। उस तरफ भी ट्रेन खड़ी है बांद्रा से बरौनी जंक्शन। हालांकि मैंने देखा नहीं पर बांद्रा ज़रूर नाम सुना है। तो ये देखिए ट्रेन उधर खड़ी हुई है अभी इस वक्त। और ट्रेन में भाई लोग मेरे साथ हैं और मतलब अभी सफ़र में आधी दूरी तक तो सफ़र में साथ ही रहेंगे। तो बस काफ़ी चीज़ें बात होगी और मैं अगर कुछ बात होगी, कुछ बताने लायक होगी तो ज़रूर आपको बताऊँगा। वैसे तो सारी सारी चीज़ें बताने लायक है आपको।